जनपद में 53 केंद्रों पर यूपीपीसीएस परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कुल 24,655 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 14,526 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 10,129 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसके संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा की निगरानी के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। सीसीटीवी की फुटेज संरक्षित की जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा, सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने कहा, शिवकांतेश्वर यादव। पीसीएस का पेपर था किस तरह से? ये भी पीसीएस का था। कैसा रहा पेपर? पेपर तो बढ़िया रहा, एवरेज में लगभग 1777 क्वेश्चन तक हो जा रहे हैं, एवरेज में था पेपर। किस तरह क्वेश्चन आए? क्वेश्चन अच्छे थे। इस तरह जिससे पहले आपने एग्जाम दिया नहीं? नहीं, हमारा सेकंड अटेम्प्ट था ये। क्या क्या लग रहा है पेपर? तो इजी टू मॉडरेट था, बीच बीच में कहीं कहीं पर हार्ड था, शुरू में कुछ ईजी भी था। दिलीप कुमार सर। किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या करना? सही आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो 120 क्वेश्चन अटेंड किए हैं सर। लगभग किस तरह के क्वेश्चन थे? नॉर्मल, कम से कम 50% नॉर्मल थे और 50% टफ थे सर। इससे पहले आपने एग्जाम दिया ये? जी नहीं सर, प्रथम बार दे रहे हैं। आज पेपर कैसा हुआ आपका? आज अच्छा हुआ सर। विनीता यादव। नहीं, पहली बार था। क्या लग रहा है आज? सही था पेपर, दबे हुआ है जान। पुष्पा यादव। अच्छा रहा। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? अच्छे लेवल का था। क्या इससे पहले एग्जाम दिया? नहीं। क्या लग रहा है आज पेपर देके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सही हुआ है पेपर। विनीता श्रीवास्तव। इसका पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? ठीक थे, यूजुअल था। इससे पहले एग्जाम दिया था आपने? हाँ। लगभग किस तरह के क्वेश्चन आए? सभी मिक्स थे, ओवरऑल सब ठीक ठीक था। क्या लग रहा है आज पेपर देके आपको? बहुत अच्छा नहीं बात ठीक है। देखिए, यूपीपीसीएस की परीक्षा के दृष्टिगत आज मैं यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हूँ, तो इसका दायित्व तो होता है कि हम लोग पेपर जो हैं और ओएमआर सीट्स हैं उसको टाइमली सेंटर्स पे पहुंचाना, परीक्षा के दृष्टिगत सुचिता बनाए रखने के लिए हर एक कमरे में यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी संरक्षित की जाएगी। हर प्रत्येक कमरे में जो इन्विजिलेटर्स हैं वो दो दो यहाँ पर रखे गए हैं और इसकी सीसीटीवी मॉनिटरिंग अच्छे से यहाँ कंट्रोल रूम बना के की जा रही है।